हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आप सब लोग काफ़ी परेशान हैं। सभी का पोर्टफोलियो माइनस में है, किसी का 10%, किसी का 20%, किसी का 30%, किसी का मोर देन 50% भी पोर्टफोलियो माइनस में है। तो फ्रेंड्स, आप एक ही बात सोचिए, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही है जिनका पोर्टफोलियो माइनस में है या रेड में है। आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके देखिए, मैंने एक सर्वे डाला था तो 90% लोगों का पोर्टफोलियो माइनस में है, ओनली 10% लोगों का पोर्टफोलियो प्लस में है, जो कि वो भी बॉर्डर पे प्लस पे होगा। इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है हमें ओवरऑल मार्केट में। तो आप लोगों को करना क्या चाहिए पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में लाने के लिए या लॉस कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। आप जानते हैं काफ़ी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन, यूक्रेन रशिया वॉर, चाइना लॉकडाउन और कोविड के केसेस भी भारत में बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो, और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं सब सेंट्रल बैंक्स के, तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसके कारण मार्केट नेगेटिव होते जा रहा है और सबको डर ये लग रहा है कि रिसेशन शुरू हो जाएगा। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द ग्रेट रिसेशन, इसके बारे में सब लोगों को टेंशन होने के कारण भी मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स देखिए, आपको सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो स्टडी करना चाहिए कि आपके पास स्टॉक्स कौन से हैं, कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं और कौन से बुरे स्टॉक हैं, उसको आपको एक स्टडी करना ज़रूरी है। और आपको ये देखना है कि मैंने जो स्टॉक्स लेके रखे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा लॉस देने वाला स्टॉक कौन सा है और वो जो स्टॉक है वो अच्छा है कि नहीं, फंडामेंटली साउंड है या नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताना आपके पास स्टॉक कौन सा है जो सबसे ज़्यादा लॉस दे रहा है, या दो चार स्टॉक के नाम बताइए जो कि आपको सबसे ज़्यादा लॉस दे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपसे गलती क्या हुई है फ्रेंड्स, आपने लॉस बुक नहीं किया। गिरते हुए मार्केट में आप शेयर को पकड़ के बैठे रहे, एग्ज़िट नहीं किया। राइट टाइम पे एग्ज़िट करना भी इम्पॉर्टेंट होता है मार्केट में, बट लोग गलती क्या करते हैं कि मैं लॉस बुक नहीं करूँगा, मैं लॉस बुक करके बेचूँगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। पर आपने देखा होगा कि आपका यही शेयर आपको एक महीने पहले जो 20% का लॉस दे रहा था, वही लॉस बढ़कर अभी 30% हो गया होगा या 40% हो गया होगा। तो अगर उस टाइम पे आप बेच देते थे और अभी बाय करते थे तो आपके हाथ में पैसा भी रहता था और आपको वही शेयर कम रेट में मिल जाता था। तो गिरते हुए मार्केट में लॉस बुक करके एग्जिट करना भी एक होशियारी का काम होता है, जो कि काफ़ी लोग नहीं करते, लॉस बुक नहीं करते, उसके कारण भी लॉस होता है। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, अभी भी टाइम नहीं गया है फ्रेंड्स। एक तो आपको देखना यह है कि आपने जो शेयर लिया हुआ है उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं या नहीं है, उसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा है या नहीं है, लास्ट 3-4 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट है वो बढ़ते हुए आए हैं कि घट गया है, ये भी आपने देखना चाहिए। मैं बेस्ट शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म बार बार डालते रहता हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो बेस्ट शेयर फॉर लॉन्ग टर्म जो है उसमें आप बाय कीजिए, क्योंकि ऐसी कंपनियाँ जो है जो मार्केट चलेगा तो जल्दी रिकवर होगी, और जो कंपनियाँ एवरेज रिजल्ट देती है या कभी ऊपर अच्छा रिजल्ट आता है कभी खराब रिजल्ट आता है, ऐसी कंपनियाँ कभी भी आपको धोखा दे सकती है, आपका पोर्टफोलियो फिर से तकलीफ में ला सकती है। तो आपको पक्का मन करके आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर खराब है उनको बेच दीजिए और अच्छे शेयर में शिफ्ट हो जाइए। काफ़ी लोग कहेंगे कि हमारे पास पैसे ही बचे नहीं है तो हम लोग नए अच्छे शेयर्स कैसे ले, तो ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं बचे अभी, बट आपके पोर्टफोलियो ओवरऑल तो लॉस में है ही अभी, नो डाउट। तो जो खराब कंपनियाँ हैं वो भी लॉस में बेच दीजिए और दूसरी अच्छी कंपनियों में एंट्री कीजिए। कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, जैसे कि राजरतन ग्लोबल ग्लोबल वायर, ओलेट्रा ग्रीन टेक, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ग्रेविटा इंडिया, टाइम टेक्नोप्लास्ट, काइटेक्स गारमेंट्स, ऐसी काफ़ी कंपनियों के वीडियो में डालते रहता हूँ आपको, जो कि लगातार अच्छे प्रॉफिट दे रही है और लगातार ग्रो कर रही है, इनके एक्सपांशन प्लान्स भी अच्छे हैं। तो ऐसे कंपनी में अगर आप शिफ्ट करेंगे जो कि लॉस, क्योंकि ये शेयर्स भी आपको काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहे हैं, 30-40% डिस्काउंट में ये भी मिल रहा है, मतलब अपने 52-week हाई से ये शेयर भी गिरे हुए 30-40%, और आपने जो शेयर्स लिए हुए उसमें भी आपको लॉस हो रहा है 30-40%। बट ऐसे शेयर्स में आप जब शिफ्ट करेंगे तो मार्केट जब चलता है तो ये शेयर फटाफट रिकवर होते हैं, तो आपका जो लॉस है वो आपको जल्दी रिकवर होने को मिलेगा, एज़ कम्पेयर टू द शेयर्स विच आर होल्डिंग विच आर नॉट बैड, विच आर नॉट गुड एंड विच आर फंडामेंटली बैड। तो आप स्टडी कीजिए शांति से, आपको ध्यान में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको आपकी क्या गलती हुई है वो भी आपको पता चल जाएगा। और आपको कॉन्फिडेंस रखना है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। देखिए कोविड के टाइम पे भी मार्केट गिरा था और कितना रिकवर हुआ आपने भी देखा था, 18,600 तक गया था जो कि अभी पहुंच चुका है 15,300। तो मार्केट लगातार गिरते ही रहेगा या ज़ीरो हो जाएगा ऐसा नहीं है,
FII जितना सेल कर रहे हैं उतने ही स्ट्रांग DII भी बाय कर रही है, इसके कारण भी मार्केट हमारा सस्टेन कर रहा है। तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए और शांति से बैठ जाइए, घबराइए मत। बट हाँ, आपने अपना पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर और रिशफल करना ही चाहिए। जो ख़राब कंपनियाँ हैं उसमें निकलिए और अच्छे कंपनियों में एंट्री करके रख दीजिए। अभी मार्केट चलेगा तो ऐसे ही स्टॉक आपको जल्दी रिकवर होते हुए दिखेंगे, जो कि आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। फ्यूचर मल्टीबैगर, मोनोपोलिस्टिक स्टॉक, ऐसे काफ़ी प्लेलिस्ट है, आप शांति से उसमें से कोई भी कंपनी में ले सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने एक ही शेयर पे बहुत पैसा नहीं लगाना होता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक ही कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, तो उनको मौका ही नहीं मिलता संभलने का। तो अपना पोर्टफोलियो बैलेंस रखिए, सब सेक्टर में पैसा लगाइए, एनर्जी सेक्टर में लगाइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में लगाइए, IT सेक्टर में लगाइए, और ऐसे सेक्टर से दूर रहिए जिसका अभी ख़राब, जैसे मेटल सेक्टर बहुत ज़्यादा गिर रहा है, अभी उसमें हाथ डालने का रिस्क मत लीजिए। तो जो कंपनियां देखिए, फॉर एग्जांपल राजरतन ग्लोबल वायर है, उसका कोई लेना देना नहीं कोई सेक्टर से, बोरोसिल रिन्यूएबल है कोई दिक्कत नहीं है, ग्राविटा इंडिया जिसका कोई लेना देना नहीं है, काइटेक्स गारमेंट्स, ऐसे काफ़ी, ओलेट्रा ग्रीनटेक, ऐसे अच्छे शेयर्स में आप बाय कीजिए, जो भी वो भी डिस्काउंट में मिल रहे हैं। मार्केट जब भी चलता है तो ये शेयर बहुत जल्दी रिकवर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर शेयर्स। तो ऐसे शेयर्स में शिफ्ट कीजिए, लॉस बुक कीजिए, ख़राब कंपनियों में से निकलिए और ऐसे कंपनियों में बाय करके बैठ जाइए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो जल्दी रिकवर होगा। जिस कंपनियों के क्वार्टर रिजल्ट स्टेडी नहीं आते, बढ़कर नहीं आते रेवेन्यू और प्रॉफिट, ये कंपनियां कभी भी क्वार्टर रिजल्ट खराब आने के कारण फिर से गिर जाती है और हमारा लॉस बढ़ जाता है। तो उस बात का ध्यान रख के आपका पोर्टफोलियो स्टडी कीजिए, रिस्ट्रक्चर कीजिए एंड शिफ्ट फ्रॉम बैड कंपनीज टू गुड कंपनीज, बिकॉज एनी वे गुड कंपनीज आर ऑल्सो गेटिंग, यू आर गेटिंग इन डिस्काउंट, एंड बैड कंपनीज में आपको लॉस उतना ही हो रहा है, तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास पैसे नहीं भी रहे तो बैड कंपनीज में से निकल कर गुड कंपनीज में एंट्री कीजिए, तो आपका लॉस आपको कम होते हुए दिखेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, और अगर आपके पास पैसे होंगे तो ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, वो भी पार्ट्स में, एक साथ बाय नहीं करना है। मार्केट का बॉटम कहाँ है किसी को नहीं पता है, हो सकता है और नीचे भी गिरे, हो सकता है फिर से रिकवर भी हो जाए। आजकल मार्केट न्यूज़ बेस्ड हो चुका है, वो हिसाब से आपको शांति से स्टडी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके कौन से शेयर्स में आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है। आई ट्राई टू रिप्लाई, उसमें से मैं बता सकता हूँ आपको कि ये शेयर अच्छा है या बुरा है। बट ये बात है कि लॉस बुक करने की हिम्मत चाहिए और लॉस बुक करके अच्छे कंपनी में तुरंत शिफ्ट होना है, तो आपको आने वाले दिनों में आपका पोर्टफोलियो जल्दी जल्दी ग्रीन होते हुए दिखेगा। ये बात आप देखिए, क्योंकि ये शेयर जल्दी रिकवर होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, ये दिस इज़ अ टाइम टू रिस्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो और रिशफल योर पोर्टफोलियो एंड देन यू कैन रिड्यूस योर लॉस। मैं नहीं बोल रहा, लॉस तो रहेगा ही, बट आपका जो लॉस है वो जल्दी रिकवर होने का काम कर सकता है। और फ्रेंड्स देखिए, हिम्मत रखिए, मार्केट रिकवर होगा, ऐसा नहीं कि गिरते ही रहेगा, पेशेंस रखना पड़ता है। 6-8 महीने 1 साल बाद आपको पछतावा नहीं होना चाहिए कि मार्केट से मैं निकल गया, उस टाइम पे स्टडी रहता था या इन्वेस्ट करता था तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रहता था या मेरा इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होता था। ये मार्केट में चलते रहता है, मार्केट रिकवर होता है, गिरता नहीं है बार बार, और हर एक सेक्टर का टाइम आता है, कोई सेक्टर गिरते रहते हैं बाद में वही सेक्टर तेज़ी से भागते हैं, तो ये साइकिल होती है, वो हिसाब से पेशेंस रखिए। और भी कोई आपके क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड टेल मी आपका पोर्टफोलियो कितना माइनस में है, कितना लॉस हो रहा है आपको, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, और कौन सा शेयर्स आपको लॉस ज़्यादा दे रहे हैं उसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।